थैंक यू। अनुज के लिए ना? हाँ हाँ फर्स्टली अ वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। साथ ही आज जानना चाहेंगे अनुज के दिवाली पार्टी में आए हो क्या कुछ आज यहाँ मस्ती होने वाली है, दिवाली होने वाली है, बिकॉज लास्ट टू ईयर्स से हम देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक की सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट। हाँ एक्चुअली लास्ट टू टाइम्स हम लोग नहीं आ पाए थे क्योंकि सब लॉकडाउन में भी थे और उससे पहले थोड़ा सा ट्रैवल भी कर रहे थे हम लोग, और आज ही बड़ा मुश्किल था आना। मेरा पैकअप बड़ा लेट ख़त्म हुआ और फिर भी मैंने क्योंकि एकांश और मैंने डिसाइड किया था कि हम आने वाले हैं, तो हम लोग अनुज के आए हैं और अगर नहीं आते तो वो साथ और बहुत सुना था। मैंने कहा थोड़ा नींद भरी आँखों में, लेकिन तो बात नहीं, उसके यहाँ जाके अभी दिवाली है तो दोस्तों के साथ मनानी पड़ती है। साथ ही जब हमने अनुज से बात किया तो अनुज ने कहा कि जब मेरा फ्रेंड गौरव आने वाला है, वैसे भी पता चला था दी फर्स्ट टाइम दी अनुज का जब उन्हें रोल मिलने वाला है, इट वॉज अ टॉप सीक्रेट। Will you like to say something about your friendship? अनुज हमेशा हंसता रहता था और मुझे याद है जिस दिन ये रोल मुझे ऑफर हुआ था तो मेरे दो बड़े अजीज दोस्त हुसैन और बेबी, उसको ले आओ तुम, इधर ही ले आओ। अच्छा पैर में लगा तुम्हें तो मैं ये कह रहा था कि जिस दिन ये रोल मुझे नेक्स्ट डे जाना था टेस्ट के लिए, उस दिन मैं हुसैन और अनुज के साथ ही था और मैं डिस्कस कर रहा था जैसे हम लोग करते हैं कि दे आर लाइक फैमिली, और मैं सोच रहा था कि करूँ ना करूँ, तो वो सब बातें चल रही थी और ऐसे ही हंसते हुए अनुज ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये रोल तुम कर लोगे और पूरा शहर तुम्हें अनुज के नाम से जानेगा। तो अब शहर तो क्या उसकी बात कहीं सही हो गई, अब आई थिंक मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे अनुज के नाम से पुकारते हैं, तो अनुज और मैं जब साथ में होते हैं तो अगर कोई अनुज कहता है तो हम दोनों टर्न करते हैं, तो इट्स इट्स अ वेरी हार्ट मूविंग थिंग। साथ ही आप दोनों से जानना चाहेंगे दिस ईयर क्या कुछ दिवाली के प्लान्स हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे किस तरीके से आप अपनी दिवाली मनाने वाले हैं? दिवाली तो जैसे बनती है वैसे बनेगी, फ्रेंड्स के साथ होंगे, फैमिली सब अपने अपने अभी बिजी है, तो जैसे मम्मी की वैसे छोटी सी स्वीट दिवाली हमारी। आकांक्षा हर साल घर सजाती है और घर में पूजा करती है, लास्ट टू टाइम शायद मम्मी पापा थे लेकिन इस बार उनको ट्रैवल करना था तो वो चले गए दीदी के घर पे और वहाँ दिवाली बनाएंगे इस बार, लेकिन हम लोग घर पे लक्ष्मी पूजन करते हैं अपना और आकांक्षा ने घर सजा दिया है, आज जब मैं घर गया तो लाइट्स वाइट थोड़ी इसने लगा दी थी, एंड वही इसको बोलते हैं कि घर की लक्ष्मी अगर ये सब करे तो अच्छा ही है, और मैं तो बाहर जा ही रहा हूँ काम करने और घर की लक्ष्मी के लिए थोड़ी और लक्ष्मी पैदा करने। साथ ही जिस तरीके से भी आपने बोला जब भी लोग बुलाते हैं अनुज दूर से तो फिर हम दोनों देखने लगते हैं, लेकिन अब तो फैंस बहुत ज़्यादा लाइक एक्साइटेड होता है जब भी अनुज को देखते हैं, जब भी फैंस बुलाते हैं अनुज तभी आप कितने एक्साइटेड होते हो? अच्छा लगता है एक्चुअली समथिंग बिकॉज आई बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स पीपल हैव यू नो नॉट अवेयर ऑफ what sort of work I do and they are happy with the work which I am doing and I am very thankful to Rajan sir ki aisa role unhone mujhe diya kyunki kafi logo ko ye role order matlab offer hua tha jab mujhe baad mein pata chala ki at least puri industry ko to hua hi hoga but Rajan sir had couple of people in mind and I am happy ki unme se ek ne tha ke baad mein. Lastly aap dono ki taraf se sabhi fans ko Diwali wishes. आकांक्षा और मेरे यानी गौरव खन्ना की तरफ से आप सभी देखने वालों को वेरी हैप्पी दिवाली, आपका नव वर्ष बहुत ही मंगलमय हो और आपकी सारी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी हों और ऐसी हम आशा करते हैं। सो हैव अ सेफ दिवाली, हैव अ वंडरफुल दिवाली एंड अ ब्रिलियंट न्यू ईयर। प्लीज़ क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए, बहुत तकलीफ होती है, मैं अपने घर पे अपने कुत्ते को छोड़ के आई हूँ और वो बहुत डिस्टर्ब होता है। सेफ दिवाली के साथ कोशिश कीजिए आप एंजॉय करें और दूसरों को भी एंजॉय करने दें, किसी और को तकलीफ ना हो, ट्राई करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।